حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं साहबजादा मोहम्मद ज़ुबैर साबरी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिलता रहे। दोस्तों, नादे अली शरीफ के 15 फवायद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिन पर अमल करके आप बेशुमार फवायद हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अली यम्मज हर हल अजायब तजिदुल्ला कफिन नवाहिब कुल हम वगम सैद जली ब्याजमत की या अल्लाह व बिनबूवत की या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वह भी वलायातिका या अली या अली या अली। ठीक है दोस्तों, नादे अली शरीफ बहुत ही एक पावरफुल दुआ है। ठीक है, नादे अली शरीफ की तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया में जो सबसे पावर वाली पढ़ाई है वो है नादे अली शरीफ। दुश्मनों का खात्मा करने के लिए बेइंतहा पावर है इसमें। दोस्तों, नादे अली शरीफ का रोज़ाना विर्द रखने से इंसान हर किस्म के शैतानी ख्यालात से, शैतानी वार से महफूज रहता है। दोस्तों, नंबर एक, बड़ी से बड़ी मुश्किल और दुश्वारी हो तो हर रोज़ 41 बार नादे अली शरीफ पढ़ने से 7 दिन तक जितनी भी सख्त तरीन मुश्किल होगी हल हो जाएगी। नंबर दो, बराए हसूल मकासद के लिए 66 मरतबा हर रोज़ अपनी मुराद जहन में रख कर 7 दिन तक पढ़े, उसकी मुराद उसका मकसद हासिल होगा। नंबर तीन, जो मरीज़ ज़िंदगी से मायूस हो चुका हो तो 7 दिन तक बारिश के पानी पिए, यानी कि बारिश के पानी पर 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ के दम करता रहे और वो पानी पीता रहे तो अल्लाह के हुक्म से शिफा पाएगा। नंबर चार, जिस आदमी को भी जिन खलल आसे वगैरह हो तो 15 मरतबा पानी पर दम करके उस मरीज़ पर छींटा दे और वही पानी उसको पिला दे तो अल्लाह के हुक्म से तमाम आसे जिन खलल दफा हो जाएगा। ठीक है, नंबर पाँच, हुब के लिए यानी कि पाक मोहब्बत के लिए 47 मरतबा पढ़ कर अपने हाथों पर दम करके सारे बदन पर फेर लिया करें और जिससे भी बात करने जाएगा वो मती व मुसख़िर होकर इससे बात करेगा। नंबर छः, कैसा ही रंजो गम हो हज़ार बार रोज़ाना बात तहारत पढ़ेगा तो अल्लाह के फजल व करम से तमाम गम उसके ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा गम में मुबतला रहता हो, बहुत ज़्यादा दुखी रहता हो तो 1000 मरतबा रोज़ाना बातहारत 7 दिन तक पढ़े तो अल्लाह के हुक्म से उसके तमाम रंजो गम ख़त्म हो जाएंगे नादे अली की पावर की बरकत से। ठीक है, नंबर 7, अगर किसी को पैगाम लेकर भेजे, ठीक है, और अमर दुश्वार हो कि नामालूम हो यानी मेरा पैगाम वहाँ मंजूर होगा या नहीं होगा तो चुपके से 3 बार पढ़कर इसके कान में दम कर दे जो पैगाम लेकर जा रहा है उसके कान में तो अल्लाह के हुक्म से कामयाब वापस आएगा। नंबर 8, अगर किसी पर कोई तोहमत लगाई या कोई मुलजिम किसी इल्ज़ाम में पकड़ा गया हो तो बातहारत 40 मरतबा हर रोज़ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करे तो अल्लाह के हुक्म से वो तोहमत से बरी हो जाएगा। नंबर 9, अगर कहीं से किसी बात का या ख़त वगैरह का जवाब मंगाना हो और जवाब ना आता हो
तो बाद नमाज इशा उस तरफ मुंह करके, यानी जहां से आपने जवाब मंगवाना है उस तरफ मुंह करके 65 बार पढ़कर दम कर लिया करें, तो इंशाल्लाह 3 रोज़ के अंदर अंदर जवाब आएगा और खैर की खबर आएगी। नंबर 10, बराए हुसूल दौलत और गना और जाओ शशम 91 मरतबा रोज़ाना पढ़ने से उसको अल्लाह पाक दौलत अता करेगा और चंद ही रोज़ में वो गनी हो जाएगा। ताज़िंदगी इस वजीफ़ा को तर्क ना करे तो कभी किसी चीज़ को इस आदमी को कभी नहीं आएगी। मजीद दौलत व इज़्ज़त पाने के लिए 500 बार एक ही मुकर्रर वक्त रख ले, 7 दिन तक पढ़े और उसको कामयाबी हासिल होगी। नंबर 12, अगर दुश्मन को मती करना हो, अपने ताबिया करना हो तो उसका तसव्वुर करके 18 बार रोज़ाना पढ़ दिया करे, तो अल्लाह के हुक्म से उसका दुश्मन उसके ताबिया हो जाएगा। नंबर 13, किसी मुश्किल को जल्द से जल्द आसान करना हो तो 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़े, ठीक है, हर रकात में 3-3 बार सूरह इखलास पढ़े और इसका सवाब मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह पाक को बख्शे, और इसके बाद 70 बार नादे अली शरीफ पढ़े, तो अल्लाह के हुक्म से उसी दिन कामयाबी हासिल होगी, वरना 3 दिन ये अमल लाजमी करे। नंबर 14, दुश्मनों और बदख्वाहों की ज़बान बंद करने की नीयत से हर नमाज के बाद 10 मरतबा सिर्फ पढ़ लिया करें, उसके तमाम दुश्मन जो भी हासिद होंगे तमाम की ज़बान बंद हो जाएगी। नंबर 15, हुजूर पुरनूर सैयदना दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए कामिल तहारत के साथ बाद नमाज इशा अव्वल आखिर दुरूद पाक 100-100 बार पढ़कर 500 बार नादे अली पढ़ेगा और उसी तरह बावजू सो जाएगा, तो अल्लाह के हुक्म से उसको सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत होगी। दोस्तों, ये है नादे अली शरीफ के 15 फवायद। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।